नमस्कार। आज हम हाजिर हैं एक नया विषय लेकर के, और वो विषय है गुर्दे की पथरी। गुर्दे की पथरी के होने के कारण आप क्या करें, क्या ना करें, डू एंड डोंट्स, पथरी के इलाज में, होम्योपैथिक इलाज की अन्य सभी इलाज, और खास करके ऑपरेशन के मुकाबले श्रेष्ठता के बारे में बात करेंगे, और इससे बचने के लिए आप अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं, ये भी आज हम बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि इससे मिलते जुलते अन्य पेन से गुर्दे की पथरी के दर्द को किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, ये भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। गुर्दे की पथरी, रीनल कैलकुलस, रीनल कैलकुलाई, किडनी स्टोन्स, नेफ्रोलिथियासिस या यूरोलिथियासिस भी इसे कहते हैं। गुर्दे की पथरी का निर्माण यानी कि फॉर्मेशन गुर्दे में होता है, वहां से वो ट्रेवल करके यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा के रास्ते होती हुई वो पेन के साथ आगे आगे बढ़ती है, और अगर कहीं भी ये रुक जाए, यूरेटर में रुक गई, ब्लैडर में रुक गई, वहां पर पहुंचने के बाद भी इसके साइज में वृद्धि हो सकती है। फर्स्ट जो फॉर्मेशन है वो किडनी में ही होता है। तो आइए हम बात करते हैं एक एक करके इन सब विषयों के बारे में, और सबसे पहले हम लोग लेते हैं किस तरह के लक्षण होते हैं गुर्दे की पथरी या यूरोलिथियासिस होने पर। सबसे प्रमुख चीज है कि गुर्दे की पथरी होते ही पेन शुरू नहीं होता है। वो जब साइज में बहुत बड़ी हो जाएगी या वहां से वो ट्रेवल करना शुरू करेगी, वहां से वो निकलने की कोशिश करेगी, तो जहां जहां पे पैसेज नैरो है या जहां पे भी वो चुभ रही है, तब ये पेन जो है फील होता है। तो सबसे पहला लक्षण क्या हुआ? पेन यानी कि दर्द। गुर्दे का दर्द बहुत ही तेज और असहनीय दर्द होता है, और गुर्दे से भी ज्यादा तेज दर्द होता है यूरेटर का। यूरेटर मींस गुर्दे से यूरिन के ब्लैडर तक पहुंचने वाली जो पाइपलाइन है उसको यूरेटर कहते हैं। यूरेटर में जब स्टोन होती है तो पेन बहुत तेज होता है, असहनीय दर्द होता है। पेशेंट लेट नहीं सकता, पेशेंट बैठ नहीं सकता, पेशेंट रोल करता है, चलता है, अपसाइड चेंज करता है, और बहुत ही जबरदस्त वाली तड़फन होती है, और इंतजार करना और सहन करना बहुत ही मुश्किल होता है। उसकी लोकेशन कहाँ है, कहां पे ये दर्द होता है? बैक साइड में, यानी कि पीठ पे जहां पसलियां खत्म होती है, उनके मार्जिन पे, वहां पे गुर्दा होता है, वहां पेन होगा। और ये पेन मोस्टली पीछे से आगे को पेशाब के ब्लैडर की तरफ रेडिएट करता है, यानी कि वहां से आगे को तरफ पेन आ रहा है, ऐसा फील होता है। और अगर ये पेन यूरेटर का है तो यही पेन पीछे नहीं, वो आगे होगा। पेन के साथ में अधिकांशतया उल्टी होती है, जी घबराता है कि उल्टी आ जाएगी, उल्टी आ भी जाती है जी घबराने के साथ साथ। पेशाब में अधिकांशतया कुछ तो कुछ तकलीफ होती ही है, पेशाब रुक सकता है, पेशाब बार बार जाने की इच्छा होती है, पेशाब कम आ रहा है, पेशाब पास होते टाइम बेहद जलन हो सकती है, पेशाब में ब्लड भी आ सकता है, और अधिक दिन तक अगर ये पेन रह जाए, स्टोन रह जाए, तो इन्फेक्शन हो जाएगा, यानी कि गुर्दे का संक्रमण, इन्फेक्शन। और अगर स्टोन बड़ी है और पैसेज में स्टक हो गई है, अटक गई है, तो कॉम्प्लिकेशन के रूप में हाइड्रोनेफ्रोसिस और किडनी के अंदर इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इनको देखते हुए समुचित इलाज अत्यंत आवश्यक है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए।
अधिकांश यह देखा गया है कि जैसे ही पेन सबसाइड हो जाता है कुछ लोग स्टोन को इग्नोर करते हैं। इग्नोर नहीं करना, क्योंकि अगर पेन नहीं है इट डजेंट मीन कि भाई स्टोन नहीं है। स्टोन धीरे धीरे करके बढ़ती जा सकती है और ऐसा रूप धारण कर सकती है कि पूरी किडनी में स्टोन ही है, जिसको स्टडहॉर्न किडनी कह देते हैं। तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत विकट स्थिति पैदा ना हो जाए, गुर्दा डैमेज ना हो जाए, इसलिए आप इसे इग्नोर नहीं करें और डॉक्टर को दिखा करके अवश्य ही इसका इलाज लें। अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर गुर्दे की पथरी होती क्यों है? गुर्दे की पथरी क्या है? गुर्दे की पथरी वो क्रिस्टल्स, वो डिपॉजिट्स जो यूरिन के थ्रू पेशाब के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं, वो धीरे धीरे किडनी में जमा होना शुरू हो जाते हैं। ये जमा होने की जो प्रक्रिया है ये बहुत जल्दी नहीं होती है, इसमें समय लगता है और ये धीरे धीरे स्टोन का रूप धारण कर लेती है। स्टोन्स बहुत तरह की होती हैं, जिनके कैल्शियम कार्बोनेट स्टोन्स हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स हैं, यूरेट्स हैं, मिक्स्ड स्टोन्स हैं। खैर, पेशेंट को किस चीज़ की बनी हुई है पथरी इस बात से कोई विशेष महत्व तो नहीं है, और इलाज के लिए खास करके होम्योपैथिक इलाज के लिए भी कोई बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन हाँ परहेज के लिए बहुत फायदा मिलता है अगर हमें इसका फॉर्म किस तरह का है वो मालूम चल जाए तो। स्टोन होने की जो अकरेंस है ये वर्ल्ड वाइड होती है, पूरी दुनिया में पथरियां लोगों के गुर्दों में पाई जाती है, और उसमें भी जो गर्म प्रदेश हैं, यानी कि जैसे इंडिया जैसे ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं जहां गर्मी ज्यादा होती है, पसीना ज्यादा निकल के यूरिन कंसंट्रेट हो जाता है, उन कंट्रीज में इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। मेल और फीमेल में अगर देखें तो मेल्स में, पुरुषों में स्टोन होने की जो अकरेंस है वो ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि फीमेल को नहीं होती, फीमेल को भी होती है स्टोन, लेकिन अगर हम देखेंगे रेशियो के हिसाब से तो फीमेल को कम, मेल को स्टोन्स ज्यादा होती हैं। इसके अलावा कुछ कारण होते हैं जिनके कारण ये गुर्दे की पथरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उनमें से प्रमुख कारण है इन्फेक्शन, यानी कि गुर्दे में पुराना इन्फेक्शन होने से धीरे धीरे इन्फेक्शन के साथ डिपॉजिट्स होना शुरू हो जाते हैं और पथरी बन जाती है। कुछ मेटाबॉलिक इश्यूज ऐसे हो जाते हैं जिनके कारण जो कैल्शियम और दूसरे जो तत्व हैं वो किडनी में जमा होना शुरू हो जाते हैं, क्रिस्टल्स जमा होना शुरू हो जाते हैं, जैसे पैराथायराइड ग्लैंड की इलनेस, उसके कारण कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, क्रोहन्स डिजीज है उसके कारण भी ऐसा हो जाता है। कई बार कोई दूसरा कोई भी ऑपरेशन हुआ उसके बाद भी स्टोन्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शरीर में मोटापा ज्यादा हो, फिजिकल एक्टिविटी लोग कम करें तो भी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आदतन कोई पानी कम ही पी रहा है, जितना पानी पीना चाहिए उससे कम पानी का इनटेक होने पर भी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिन परिवारों में किसी को गुर्दे की पथरी है उन परिवारों में बाकी सदस्यों को होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, मानसिक तनाव की वजह से पथरियां होती हैं, और तनाव भी ऐसा तनाव जिसमें फाइनेंशियल यानी कि पैसे और व्यवसाय से संबंधित तनाव जब आ जाता है, स्ट्रेस जब हो जाता है, उस चांसेस में पथरी होने के जो इंसिडेंसेज हैं वो बढ़ जाते हैं। जो लोग काम काज के लिए अपने घर और परिवार को छोड़ के दूर जाते हैं उनके भी ये गुर्दे की पथरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो बच्चे हॉस्टल्स में पढ़ते हैं, घर से दूर रहते हैं,
उन लोगों को भी किडनी के स्टोन्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ दवाइयां, खास करके कैल्शियम की दवाइयां, एसिडिटी की दवाइयां, एंटासिड्स, ये जब जरूरत से ज्यादा लिया जाए तो भी लोगों को पथरी बन जाती है, क्योंकि अधिकांश इनमें कैल्शियम की ओवरडोज होती है। अगर आपको कैल्शियम की जरूरत है और वो टेस्ट करने पर कम आई है, तभी आपको कैल्शियम की दवाइयां लेनी चाहिए। एक बड़ी विचित्र बात है, वो ये है कि फलों का रस ज्यादा ले लेने से स्टोन्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैसे? जब ज्यादा जूसेस लिए जाएंगे तो बॉडी से यूरिक एसिड ज्यादा एक्सक्रीट हो जाएगा, और यूरिक एसिड ज्यादा एक्सक्रीट हो जाने से ऑक्सलेट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, और ऑक्सलेट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने से ऑक्सलेट डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे किडनीज में, तो वो एक कारण है। तो संयम रखना बहुत जरूरी है। जूसेस लो, फ्रूट्स लो, उनको लिमिटेड मात्रा में लो, अति ना करो कोई भी चीज की। अगर किसी को गुर्दे की पथरी है तो मालूम कैसे चलता है कि ये स्टोन है? सब लोग जानते हैं, सबसे कॉमन अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड में गुर्दे की पथरी का अच्छे से निदान हो जाता है, डायग्नोसिस हो जाता है। इसके अलावा जो सीटी स्कैन है उसमें भी पता चल जाता है, सिंपल एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और आईबीपी में भी पथरी कहाँ है, कितने साइज की है, वो कंफर्म हो जाता है। यूरिन की जांच जरूर करानी चाहिए, जिसमें इन्फेक्शन का पता चलता रहे कि इन्फेक्शन ज्यादा तो नहीं है। मोस्टली किडनी का जब इस तरह का रोग होता है, पथरी वाला टाइप का, तो इन्फेक्शन रहता है साथ में, और वो इन्फेक्शन अगर ज्यादा दिन तक रह जाए किडनी डैमेज हो सकती है। तो इसलिए यूरिन को समय समय पर जरूर ही जांच कराते रहें। इसके अलावा जो ये कारण है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्ब होने का, वो पता करने के लिए ब्लड टेस्ट करना चाहिए, ब्लड में कैल्शियम कितना वो देखना चाहिए, पैराथायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स की जांच होनी चाहिए, क्रोहन्स डिजीज को भी कंफर्म करना चाहिए। इस तरह करके जो रूट कॉज है उस तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। आइए अब हम बात करेंगे कि पथरी होने से कैसे बचें, होने पर क्या डूज एंड डोंट्स अपनाएं, एक एक करके बात करते हैं। अगर कारण मिल जाता है तो सबसे पहले तो उस कारण का ही निवारण करना चाहिए, अर्थात अगर इन्फेक्शन है उसका इलाज लो, अगर पैराथायराइड ग्लैंड का इशू है उसका इलाज लो, कैल्शियम ओवरडोज ली है तो उसको लिमिटेड कर दो, और अगर क्रोहन्स डिजीज है उसका भी इलाज होना चाहिए, मोटापा है उसका इलाज हो। तो इस तरह करके फर्स्ट इज ट्रीट दी कॉज, जो कारण है उसका इलाज करें। और दूसरा, सब लोग जानते हैं कि जितना पानी आप पीते हो, पथरी की टेंडेंसी है, पथरी हो गई है, तो आपको सामान्य से अधिक पानी पीना चाहिए। उसमें भी अगर आप सुबह के समय ज्यादा पानी पी लेते हैं तो फ्लशिंग इफेक्ट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि दिन में गर्मी हो जाएगी, थोड़ा स्वेट आएगा। इस तरह करके आप जितना पानी पिएंगे उस प्रपोर्शन में यूरिन कम आता है, और यही पानी आप अगर सुबह के समय अधिक पीते हैं तो आपको फ्लशिंग इफेक्ट ज्यादा मिलता है। सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फल, नींबू, मौसमी, संतरा, इनका इस्तेमाल थोड़ा बढ़ा देना चाहिए पथरी होने पर, इससे पेशाब अधिक लगता है, डायूरेसिस होता है। खाने में हार्ड सीड वाली चीजें जैसे टमाटर, अमरूद जैसे बीज वाली चीजें नहीं खानी चाहिए जिनको पथरी है या होने की प्रवृत्ति है। पत्ता गोभी, पालक, सरसों का साग जैसी पत्ते वाली चीजें भी नहीं खानी चाहिए। कैल्शियम वाली चीजें हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स से भी बचना चाहिए। जिनको पथरी है उनको दूध, दही वगैरह नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन डाइट नहीं लेनी चाहिए। जिनको स्टोन्स हैं वो तो जरूर ही ध्यान रखें कि एंटासिड और कैल्शियम की दवाइयां न लें
या टेस्ट करके जितनी मिनिमम डोज की जरूरत है उतनी ही लें। तो डूज एंड डोंट्स के बाद आइए अब बात करते हैं कि गुर्दे की पथरी अगर है तो अन्य इस तरह की पेन वाली कंडीशन से डिफरेंशिएट कैसे करें। वैसे तो अल्ट्रासाउंड अपने आप में एक ऐसा टेस्ट है जो कंफर्म कर ही देगा कि आपको किडनी की स्टोन्स हैं। स्टोन किडनी की हो, यूरेटर की हो, ब्लैडर की हो, वो अल्ट्रासाउंड में शो हो जाती है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन फिर भी ये पेन आपको आंतों में सूजन है तो भी पेट में दर्द हो सकता है, खास करके फीमेल को जो ओवरी का पेन है, ओवेरियन सिस्ट होने पर, या ओवुलेशन का जो पेन होता है वो भी नीचे इनवाइनल रीजन में इधर होता है तो वो कंफ्यूजिंग रहता है। राइट साइड में नीचे इनवाइनल रीजन का पेन अपेंडिक्स की सूजन का भी हो सकता है, और इसके अलावा राइट साइड में जो ऊपर का पेन है वो कभी कभी जो पित्त की थैली की पथरी है उसका रेफर्ड पेन पीछे की तरफ फील होता है, ऐसा भी हो सकता है। लेफ्ट साइड में पेनक्रियाज है उसका पेन हो सकता है, और ये सब पेन को कंफर्म आप खुद से ना करें, अल्ट्रासाउंड करवाएं और डॉक्टर की राय लें। जस्ट मैंने आपको बताया है कि पेट दर्द सदा पथरी की वजह से ही होगा, ऐसा नहीं है, दूसरे बहुत सारे कारण है, तो पेशेंट खुद जजमेंट नहीं लेगा और वो डॉक्टर से मिलेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। किडनी की स्टोन के पेन के साथ पेशाब से संबंधित कोई तो कोई तकलीफ मोस्टली देखने को मिलती है। पेशाब में जलन, पेशाब का रुकना, बार बार आना, ब्लड आना, पेशाब में स्मेल आना, तो भी ये चांसेस बढ़ जाएंगे कि स्टोन का ही पेन है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक इलाज क्या है, कैसे है, आप क्या करें और किस तरह से इसकी श्रेष्ठता है। फ्रेंड्स, होम्योपैथिक इलाज किडनी स्टोन, यूरेटर स्टोन, ब्लैडर स्टोन के इलाज के लिए सर्वश्रेष्ठ इलाज है। इस बात को दुनिया जानती भी है और हमारे पास उदाहरण के रूप में असंख्य पेशेंट हैं जिनकी पथरियां एक हो, दो हो, मल्टीपल हो, साइज में छोटी हो, बड़ी हो, कैसे न कैसे हो, वो सभी तरह की स्टोन्स के पेशेंट्स का इलाज होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से सक्सेसफुली किया जा सकता है। देखो, हम यूं कह देते हैं कि रोग पथरी है, यानी कि पथरी एज ए डिजीज माना जाता है, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। जो स्टोन हम देख रहे हैं वो उस प्रक्रिया का परिणाम है, उस मेटाबॉलिक इश्यूज का रिजल्ट है, उस कॉज का इफेक्ट है जो स्टोन फॉर्म हो गई है। अर्थात पथरी का होना बीमारी का परिणाम है, बीमारी नहीं है, और सर्जिकली रिमूव करने से, यानी कि ऑपरेशन के द्वारा पथरी को निकालने से आप केवल परिणाम को हटा रहे हो, कारण को नहीं हटा रहे हो। कारण को ठीक करना है, कारण यानी कि मेटाबॉलिक इश्यूज, जो वो प्रक्रिया जिसके तहत पथरी का निर्माण हुआ है वो है बीमारी, और उसको ठीक करने में होम्योपैथिक इलाज सक्सेसफुल है, पूरा ही कामयाब है। होम्योपैथिक इलाज के बाद पथरी का दोबारा होना लगभग खत्म हो जाता है, यानी कि परमानेंट ट्रीटमेंट है। किडनी का ऑपरेशन अगर 2-3 बार हो गया तो उसके बड़े बुरे परिणाम होते हैं। किडनी को इन्फेक्शन रहने लग जाता है, अगर यूरेटर का ऑपरेशन हो गया तो यूरेटर संकरा हो जाता है, जिसको यूरेटर स्ट्रिक्चर बोलते हैं, और वहां पे बार बार इन्फेक्शन होना कॉमन बात है। तो प्राकृतिक तरीके से उस कारण को ठीक करके उस नेचुरल तरीके से होम्योपैथिक इलाज पथरी को निकालने में सक्षम है। साइज कोई मैटर ही नहीं है, किस जगह है कोई मैटर ही नहीं है, थोड़ा सा समय दे दो होम्योपैथिक इलाज के लिए, पथरी निश्चित रूप से चली ही जाएगी। और बहुत लोगों का ऐसा भी हुआ है कि पथरियां लोगों की हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में ही रिमूव हो जाती है। बहुत लोगों का ऐसा हुआ है कि आज उनको 2-3 स्टोन्स हैं, 1-2 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड कराते हैं,
स्टोन कब निकली, कहाँ गई, क्या हुआ, मालूम नहीं चलता, यानी कि डिसॉल्व होके निकल जाती है। और किसी किसी को ऑफ कोर्स जो अगर पथरी छोटी है 5-6 mm के आसपास की जो पथरी है वो ट्रेवल करके निकल जाती है, वो थोड़ी सी तकलीफ होती है, कुछ विशेष तकलीफ होती नहीं है। तो पथरी के इलाज में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट श्रेष्ठ है, इसमें कतई कोई डाउट की बात ही नहीं है। सही होम्योपैथिक इलाज के लिए होम्योपैथिक डॉक्टर्स को साइंस और सिम्टम्स चाहिए होते हैं। पथरी है, ये दवाई सब लोग ले लेंगे, सभी की पथरी उसी दवाई से ठीक हो जाएगी, ऐसा होम्योपैथी में नहीं होता है। हर व्यक्ति को डिजीज होने पर अलग तरह के साइंस और सिम्टम्स होते हैं। खास बात है ये, हर एक व्यक्ति को पेन डिफरेंट होगा। किसी को मरोड़ वाला दर्द है, किसी को चीस वाला दर्द है, किसी को जलन हो रही है, किसी को खिंचाव हो रही है, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंट सिम्टम्स आपको डॉक्टर को शेयर करने हैं। पेन एग्जैक्टली कहाँ पे है, आगे है, पीछे है, पेन आगे से पीछे को गया, पीछे से आगे को आया, ऊपर से नीचे को रेडिएट कर रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन डॉक्टर को बताना है। जो इस किडनी के पेन के साथ में आपको यूरिन के सिम्टम्स हो रहे हैं, जलन हो रही है, चीज पड़ रही है, पेशाब रुक रहा है, जलन भी, किसी को पेशाब शुरू करने में जलन, किसी को पेशाब पास करने में जलन, किसी को एट द एंड ऑफ यूरिनेशन जलन, ये टिपिकल सिम्टम्स जरूर डॉक्टर को बताने चाहिए। दर्द को मॉडलिटीज के साथ में बताने से और अच्छा हो जाता है। मॉडलिटीज मीन्स जब दर्द आपको बढ़ता है खड़े रहने से, लेटने से, दबाने से, चलने से, पेशाब करने से, कैसे आपको दर्द में आराम मिलता है और क्या करने से दर्द आपका बढ़ जाता है, ये आपको ध्यान से नोट करना है और डॉक्टर को बताना है। दर्द होने पर आपको क्या कुछ और सिम्टम्स हो गए हैं, जैसे वोमिटिंग हुई है, टेस्ट बिगड़ गया है, आपको स्मेल ज्यादा फील होने लगी है, हर एक चीज में चिड़चिड़ापन आ गया है, स्वभाव में अंतर आ गया है, आपका मन करता है कि मेरे पास कोई रहना चाहिए, आपको डर लगता है कि कुछ बड़ा ना हो जाए, आप अपने मानसिक लक्षण भी डॉक्टर के साथ शेयर कीजिए। आपके मन में अपने इस रोग के लिए जो भी विचार आ रहे हैं कि मुझे ही क्यों रोग हो गया, मैं तो बचूंगा नहीं, मैं तो ठीक होऊंगा नहीं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जो भी आपको मन में आया वो भी आप अपने डॉक्टर को बताइए। कोई और अगर इलनेस है, जैसे कि आपको भूख, प्यास, नींद, मल मूत्र, कहीं भी कोई भी आपको अगर हेल्थ में इश्यूज हैं वो अपने डॉक्टर को बताइए। इन सब बातों के ऊपर निर्धारित है होम्योपैथिक इलाज, और जो दवाइयां इसके लिए हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जो कॉमनेस्ट मेडिसिन है, जो मोस्ट प्रोमिनेंट मेडिसिन है, उनका नाम मैं ले रहा हूं, दवाइयां असंख्य है, तो उन दवाइयों में बर्बेरिस वल्गरिस, हाइड्रेंजिया, सारसा परिल्ला, लाइकोपोडियम, ब्रायनिया, ओसिमम कैन, कोलोसिंथ, टबैकम, कैल्केरिया कार्ब, बेंजोइक एसिड, प्रेरे ब्रेवा, कैंथेरिस, मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम, नक्स वोमिका और न जाने कितनी ही दवाइयां जो गुर्दे की पथरी के लिए होम्योपैथिक सिस्टम में है। इन सभी दवाइयों के स्पेसिफिक लक्षण हैं, उनके इंडिकेशंस हैं, जो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में उपलब्ध है, उनके आधार पर ही मेडिसिन ली जाती है, और डॉक्टर अपने प्रैक्टिकल अनुभव से ये तय करते हैं कि इन दवाइयों की क्या पोटेंसी हो, मदर टिंचर में देनी है 30, 200, 1 mm, 6 पोटेंसी, कौन सी पोटेंसी में देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, कितने डोजेज में देनी है, कितने दिन तक देनी है, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और डॉक्टर उसको चुन के आपको दवाई दे देते हैं। तो साथियों, होम्योपैथिक मेडिसिन गुर्दे के इलाज के लिए पूरी पूरी कामयाब है। आप गुर्दे की पथरी होने पर होम्योपैथिक इलाज को अवश्य ही लें और अपने रोग को ठीक करें। आप खुश रहें, आप दीर्घायु रहें, आप सदा स्वस्थ रहें, ये हमारी कामनाएं हैं। धन्यवाद।